तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम, चमचमाती ये घुंघरू की धुन करके तेरा हर सुगम, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल तैयारी के काल है, इंतजार का काल है। ये हमारे लिए एक उचित समय है जहाँ पे हम अपने आप को तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने वाले हैं और उसी को स्वागत करने के लिए हम अपने मन और हृदय को तैयार करते हैं, त्याग, तपस्या और प्रार्थना के द्वारा। और इसलिए कलीसिया और वचन भी हमें आह्वान करती है कि हम अपने आप को तैयार करें, जिससे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हम उनका स्वागत दिलो जान से कर सकें। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, कोई विशिष्ट मेहमान आपके घर में प्रवेश करते हैं या आते हैं, आप उनके स्वागत के लिए कितना तैयारी करते हैं? ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह आने वाले हैं और उसी की तैयारी में हम तैयार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, उत्तम समय है, उचित समय है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, मन, हृदय, विश्वास और भरोसा में। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को जांचें। कहा जाए तो यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास करते हैं, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह को हम कितना अनुभव करते हैं, कितना एहसास करते हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। यदि हम करते हैं तो निश्चय ही प्रभु के साथ रहते हैं, और यदि हम नहीं करते हैं, हम विश्वास में अल्प हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। और ये पवित्र मिस्सा बलिदान हमें याद दिलाता है कि पुनः हम प्रभु के पास लौटें, यीशु के पास लौटें, अपने मन और हृदय को जांचें, तैयार करें, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। तो आइए कुछ पल हम अपने आँखों को बंद करें, आँखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, करीब प्रभु के नज़दीक आ जाइए। विश्वास करना कि प्रभु आपके पास है, प्रभु के द्वारा आपको संदेश मिल चुका है, पवित्र बनो, मन और हृदय सब कुछ में पवित्र। आइए मौन रूप से अपने व्यक्तिगत पापों को याद कीजिए, जो मन से किए हैं, दृष्टि से किए हैं, जुबान से किए हैं, व्यवहार से किए हैं, कर्म से किए हैं, और अपने आप को अशुद्ध और अपवित्र किए हैं। हम पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और आइए बड़ी भक्ति के साथ दया याचना का गीत गाएं।
कृपा करो, तुझसे कृपा मांगते हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते, तुझसे क्षमा सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे, आमीन। आइए कुछ पल मौन रहें और अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा से करें, ताकि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाएं तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुति गान करते हुए पाए। हम यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1-5 तक। ईश्वर के राज्य की चिरस्थाई शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायस का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे, असंख्य लोग यह कहते हुए वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विधा की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, आपका अनुवाक्य रहेगा, हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चलें। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचते हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किए हैं। अनुवाक्य, हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इसराइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं, वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसे कि इसराइल को आदेश मिलता है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य, हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो, तेरे घरों में सुख शांति हो, तेरे चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुख शांति हो। अनुवाक्य, हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सब के सब भाई बंधु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य, हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष, अल्लेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 वाक्यांश 5-11 तक। बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उसके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं, जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। या प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आज के दोनों पाठों को हम लोगों ने सुना है। प्रथम पाठ में हम लोग सुने नबी एसाइयास के द्वारा और वहां पे विशेष रूप से ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में वर्णन है। जब ईश्वर का राज हमारे सामने प्रकट होगा तो सब कुछ बदला हुआ रहेगा, हम अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, एक शतपति यीशु के पास आते हैं, अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि मेरा नौकर जिनको लकवा हो गया है। तब यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। तब अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे पास आए। उनके विश्वास को देखकर यीशु ने तारीफ किया, प्रशंसा की और कहा कि इस व्यक्ति के विश्वास के बराबर मैंने इज़राइल में नहीं पाया। हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास के द्वारा यीशु का अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारा कितना विश्वास गहरा है इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखा जाए तो हम विश्वास के माध्यम से यीशु और ईश्वर से जुड़ते हैं। विश्वास के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है, विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु के सान्निध्य में रहते हैं। सब कुछ विश्वास है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को गहराई करें, बढ़ाए, ताकि हम भी प्रभु के साथ निरंतर जुड़े रहें। लाया हूँ खुद
मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें आगाध अनुराग से वाहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए, इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए, आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजीन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टिदान कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुदूर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकार हो। इसके द्वारा ऐसे कृपा कर कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाएं। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। येसु नाम गाओ रे, येसु नाम दिल से भजो रे। येसु नाम गाओ रे, येसु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में येसु नाम, हर पल में येसु नाम, हर घड़ी में येसु नाम, हर पल में येसु नाम, हर क्षण में येसु नाम दिल से भजो रे। येसु नाम गाओ रे, येसु नाम दिल से भजो रे।